एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें भी लोग सर्च कर रहे होंगे, हमें भी लोग ढूंढ रहे होंगे, यार ये साधन है को मानता हूँ। इनसे इंसान की जो कामयाबी होती है ना वो उसकी मेहनत पे डिपेंड करती है, तो हम उसकी गरीबी को मजाक नहीं बनाएंगे कि यार उसने अपनी गरीबी का सहारा लिया। अगर वो आज कामयाब हुआ है तो उसकी मेहनत थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो ये मेरी तीसरी वीडियो है, लेकिन ये कुछ व्लॉग टाइप की नहीं है, ऐसी कन्वर्सेशन टाइप की वीडियो है। तो भाई आप देख रहे हैं मेरा चैनल साद अली, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ हसन हमीद के बारे में कि आखिर ये हसन हमीद है कौन। काफ़ी मोस्ट ट्रेंडिंग पे चल रही है इसकी वीडियो। अभी इसने रिसेंटली जो है आधे घंटे पहले एक वीडियो अपलोड की जो कि गवर्नर हाउस के बेटे ने जैद ने इसे इनवाइट किया था गवर्नर हाउस में। तो इसकी अभी नई वीडियो जो आई है रिसेंटली 30 मिनट्स पहले आई है। तो भाई आखिर ये बंदा है कौन और इतनी जल्दी इसने कैसे इतने सब्सक्राइबर कर लिए? तो भाई इसकी हिस्ट्री के बारे में जो मुझे पता है, वो यही है कि ये पेट्रोल पंप PSO पेट्रोल पंप में जॉब किया करता था और वहाँ से जो इसकी सैलरी थोड़ी बहुत थी, लेकिन इसे जो है ना वीडियो और कंटेंट बनाने का काफ़ी शौक था, व्लॉगिंग करने की काफ़ी शौक थी। तो वही बात है ना कि इंसान मेहनत करे तो कामयाबी मिल ही जाती है एक दिन। ये जो है अपनी छोटी छोटी मिनी व्लॉग को बना के जो है टिकटॉक पर अपलोड किया करता था। फिर टिकटॉक से इससे किसी ने मशवरा दिया कि भाई आप यूट्यूब चैनल बनाएं एंड यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ अपलोड करें। तो भाई फाइनली इसने अपनी वीडियो यूट्यूब चैनल बनाई और वहाँ पे इसने अपनी व्लॉग की वीडियो डालना शुरू कर दी। तो भाई इसकी पहली ही वीडियो में माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इतनी इसे कामयाब किया कि इसकी पहली वीडियो में काफ़ी व्यूज़ आ गए और इसको काफ़ी सब्सक्राइबर मिल गए। जब मैंने इसके सब्सक्राइबर देखे थे तो वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10K या 12K थे। फिर मैंने जब 3 दिन के बाद इसके सब्सक्राइबर देखे तो 200K पे चली गई थी, और अभी मैंने जब इसके सब्सक्राइबर देखे तो वो तकरीबन 244K तक चली गई है। तो भाई कहना यही चाहूँगा कि अल्लाह जिसे इज्जत दे तो उसे कोई नहीं दे सकता है। तो और मैं आप व्यूवर्स से भी यही कहना चाहूँगा और अपने आप से भी मैं यही कहूँगा कि भाई किसी को देख के हमने हिम्मत नहीं हारना कि यार वो इतनी जल्दी फेमस हो कि हम क्यों नहीं हो सके, हमारी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही। तो भाई आप मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको भी कामयाबी मिलेगी। कामयाबी अजमत में, मेहनत में अजमत है। तो भाई वो उसका लगता है कि उसको इतनी जल्दी मकबूलियत हासिल हो गई, आपको टेंशन नहीं लेना। आपने अब ये नहीं सोचना कि भाई अब उसने इतनी जल्दी अगर ट्रेंडिंग में चला गया, उसकी वीडियो वायरल हो गई तो हमारी भी हो जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि सबके नसीब और सबके लक एक जैसे नहीं होते। तो आपने भी मेहनत करना, मेरा भी अभी स्टार्टिंग ही है, मैं भी अभी स्टार्टिंग की वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई आपने और हमने भी सिर्फ मेहनत ही करना, स्ट्रगलिंग करनी, इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें भी लोग सर्च कर रहे होंगे, हमें भी लोग ढूंढ रहे होंगे कि यार ये साद अली है कौन, इनसे मुलाकात हो जाए। तो भाई इंसान, हर इंसान को शौक होता है कि भाई उसे फेम मिले, उसे शोहरत मिले, उसे लोग ढूंढे, उसे सर्च करें, उसकी वीडियो वायरल्स पे जाए, वो अच्छा कमाए। तो अल्लाह से उम्मीद यही है कि भाई अल्लाह पाक हमें और आप सबको कामयाब करे, और भाई हमें किसी से जेलसी नहीं करनी कि यार वो बंदा इतनी जल्दी वायरल हो गया, तो वो उसका नसीब था। अल्लाह पाक हमें भी वायरल करेगा, हमारी वीडियो को भी लोग देखेंगे। तो भाई किसी से जेलसी फील नहीं करनी और ना किसी के बारे में गलत कमेंट करना कि उसने अपनी गरीबी का ढोंग किया या उसने इमोशनल मतलब कि रोना गाना किया कि मैं गरीब हूँ। तो भाई ऐसा हरगिज़ मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। इंसान की जो कामयाबी होती है ना वो उसकी मेहनत पे डिपेंड करती है। अगर वो आज कामयाब हुआ है तो वो उसकी मेहनत थी, तो हम उसकी गरीबी को मजाक नहीं बनाएंगे कि यार उसने अपनी गरीबी का सहारा लिया। खैर जो भी वो पेट्रोल पंप पे काम किया करता था, जो भी करता था, वो मेहनत की रोज़ी हलाल रोज़ी कमाता, तो हमें और आपको कोई हक नहीं कि हम उसके बारे में कोई गलत कमेंट दें। तो भाई अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको सबको कामयाब करें और हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं ताकि लोग हमें भी पसंद करें, ठीक है। तो भाई अगली वीडियो के साथ फिर मैं व्लॉग में हाजिर रहूँगा। तो भाई आज मैंने सोचा कि चलो बैठा हूँ तो आज इसी पे वीडियो बना लूँ। तो भाई सब्सक्राइब करते जाएं हमारे चैनल को भी ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।